मेरा नाम कुशल कुमार, यह है मारुति सुजुकी अर्टिगा का ZXi वेरिएंट सेकंड टॉप मॉडल रहने वाला है। मैंने आपको इस कार का BXi वेरिएंट दिखाई दिया था जो कि मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट था क्योंकि इसमें आपको सभी बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं, आफ्टर मार्केट बर्क कराने कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही बढ़िया वेरिएंट है इसका BXi वेरिएंट, पर लेकिन जब बात आती है ऐसे फीचर्स की जिससे कार देखने में अच्छी लगती हो, जैसे अलॉय व्हील्स हो गए, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, और इनके अलावा भी काफी फीचर्स ऐसे होते हैं जिससे कार देखने में बढ़िया लगती है, तो फिर ये सब चीजें आपको ZXi वेरिएंट में मिल जाती है और वैल्यू फॉर मनी भी रहनी चाहिए। फिर कार 1,10,000 रुपीज का प्राइस डिफरेंस है इसके BXi वेरिएंट और ZXi वेरिएंट में। फिर फीचर में क्या क्या डिफरेंस रहेगा वो सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे एक अपर मॉडल भी आता है जो कि एक ZXi प्लस वेरिएंट है, क्योंकि उसका टॉप मॉडल है वो एक्सपेंसिव है 70,000 रुपीज इस वेरिएंट से, और फीचर्स भी कुछ ऐसे ऑफर नहीं कर रहे आते हैं, इसलिए आप कोई ऐसा वेरिएंट देख रहे हैं अर्टिगा का जिसमें आपको फीचर्स भी बढ़िया मिल जाए, बेसिक फीचर से थोड़ा ऊपर आप अपग्रेड करना चाहते हैं और वैल्यू फॉर मनी भी रहना चाहिए, तो आप इसके ZXi वेरिएंट को देख सकते हैं। एक एक करके सभी फीचर्स को हम देखने वाले हैं इस कार के, आपको क्या क्या ऑफर करे जाने वाले हैं इस कार में। इस कार का जो ZXi वेरिएंट है वो 10,90,000 रुपीज के एक शोरूम प्राइस पर मिल जाता है, और फिर अगर आपको CNG में चाहिए कार तो आपको 95,000 रुपीज एक्स्ट्रा देने होंगे, और ये CNG में ही है, और CNG का आप टॉप मॉडल भी कह सकते हैं क्योंकि ZXi प्लस वेरिएंट में आपको CNG नहीं मिलती है। स्वागत है इस कार की, कीलेस एंट्री रहने वाली, इस पर आपको लॉक एंड लॉक का मिल जाएगा, सुजुकी का हो गया यहाँ पर लोगो, और दोनों की सेम रहेंगी। और ये इस कार की फ्रंट प्रोफाइल, फ्रंट में आपको हेलोजन प्रोजेक्ट हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, इंडिकेटर में हो गया बल्ब, और ये ग्रिल इस कार की क्रोम में रहने वाली है, सुजुकी का हो गया लोगो, फोग लैंप्स मिल जाएंगे आपको, और फिर फ्रंट से देखने में उस तरह की लगती है कार। और ये साइड प्रोफाइल इस कार की, एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं आपको इस कार में जो कि देखने में तो बिल्कुल गजब लगते हैं, इस वजह से इस कार की जो साइड प्रोफाइल है वो देखने में बढ़िया सी लगती है। 15 इंच के आपको उसमें एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, 185/65 R15 की प्रोफाइल रहेगी। और ये इस कार का वार्निंग भी आपको बॉडी कलर का मिल जाएगा, इंडिकेटर भी आपको इसी पर ही मिल जाता है, बॉडी कलर में है, और ए पिलर हो गया इस कार का बॉडी कलर का, ऊपर साइड हो गया एंटीना, और डोर हैंडल्स हो गए क्रोम कलर के, रिक्वेस्ट सेंसर बटन मिल जाएगा आपको इसी पर ही। और ये रहा इंटीरियर इस कार का, जिसे आप देख सकते हैं, और डोर कलर में रहता है इस कार का डैशबोर्ड, और वुडन फिनिशिंग मिल जाएगी आपको यहाँ पर जो कि आपको उसके डोर पे भी दिखाई देगी। और ये रहे इस कार के ORVM जो कि आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल मिल जाएंगे। और बी पिलर हो गया ब्लैक कलर का, और सी पिलर भी आपको ब्लैक कलर का मिल जाएगा, साइज को हो गया यहाँ पर ग्लास। ये कंबाइन लुक बैक और साइड प्रोफाइल की, जिसे आप देख सकते हैं, ऊपर साइड हो गया इंडिकेटर स्पॉइलर, हाई मैंटी स्टॉप लैंप, रियर डिफोकर बोशर वाइपर जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। CNG का हो गया यहाँ पर स्टिकर, यहाँ पर आपको क्रोम लाइन मिल जाती है, सुजुकी का हो गया लोगो, और ये इसकी LED टेल लाइट जो कि आपको बेस मोडल से ऊपर हो जाती है, अर्टिगा की बेजिंग हो गई, चार पार्किंग सेंसर्स रहने वाले हैं, रिफ्लेक्टर्स हो गए। चलिए मैं आपको इस कार का बूट दिखा दूं, फिर जितना स्पेस आपको इस कार के बूट में मिल जाता है, जैसे आप देखते हैं पूरी कवरिंग करी गई CNG टैंक की, जिस वजह से टैंक पूरा नहीं दिखता है, और फिर बूट स्पेस भी आ कितना बढ़िया लगता है इस कार का। वैसे मेरे को इस तरह का इस कार का एक्स्ट्रा लुक, जो फीचर्स आपको इस कार के एक्स्ट्रा से मिल जाते हैं वो आपको सभी दिखा दिए हैं, जैसे आपने देखा इसमें आपको फ्रंट फॉग लैंप्स मिल जाएंगे, रियर डिफोगर वॉशर वाइपर, मशीन अलॉय व्हील्स, कीलेस एंट्री विद पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, जैसे फीचर्स आपको एक्स्ट्रा से मिल जाते हैं। जो मेन फीचर्स में डिफरेंस है वो इस कार के इंटीरियर में है, जब मैं इंटीरियर में चलूंगा तो आपको वाले फीचर्स दिखा दूंगा आपको क्या क्या ऑफर करे गए हैं इस कार में। इस कार में आपको K15C स्मार्ट हाइब्रिड इंजन मिल जाएगा 1500cc का, जो कि प्रोड्यूस करता है 101 BHP की पावर, 136 Nm का टोर। फ्यूचर में आपको इसका इंटीरियर दिखा दूं, फिर क्या क्या ऑफर करा जाने वाला आपको इस कार के इंटीरियर में। जैसे आप देखो डुअल कलर में रहेगा इस कार का इंटीरियर, वुडन फिनिश मिल जाती है आपको यहाँ पर, इसी तरह का पैटर्न आपको इसके डोर पे दिखाई देगा, यहाँ पर आपको वुडन फिनिश मिल जाती है, डोर ओपन हो गया क्रोम कलर का, चारों पावर विंडो कंट्रोल्स हो गए, ड्राइवर साइड आपको ऑटो अप ऑटो डाउन पावर विंडो मिल जाएंगी, लॉक एंड लॉक के लिए हो गया, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल है ORVM, यहाँ पर आपको उसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं, बाटे बूटे स्पेस है, डिफेंस स्पेस, स्पीकर, बाहर से देखने में उस तरह का लगता है डैशबोर्ड इस कार का। ये रही ड्राइवर साइड सीट, ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट हो गया फीचर और रिक्लाइन करने का, और ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन हो गया CNG में शिफ्ट करने के लिए, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। वो ये कार का बैक डोर, डोर ओपनर क्रोम कलर का, पावर विंडो कंट्रोल हो गए, बटन की स्पेस है, डॉक्यूमेंट स्पेस, स्पीकर, और ये इस कार की मिडिल सीट्स, रिक्लाइन करने का और स्लाइडिंग का मिल जाएगा, उस वाली सीट को आप इजीली टपल करके ये सीट पर चले जाएंगे। हिसाब देखते कुछ तरह का मिल जाएगा आपको इस कार का इंटीरियर, बीच कलर में रहने वाला है इंटीरियर इस कार का, आपको वुडन ग्रीन फिनिश भी दी जाएगी आपको इसके डैशबोर्ड पर, और डोर ट्रिम पर भी आपको इसके वुडन फिनिश दी जाएगी। फिर ओवरऑल कुछ तरह का लगता है डैशबोर्ड इस कार का, एक फीचर्स को हम देख लेते हैं। और ये रहा इस कार का स्टीयरिंग व्हील,
सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। सर्कुलर में आपको यहाँ पर क्रोम दिया जाएगा। स्टीयरिंग मॉडल कंट्रोल्स होगा, यहाँ पर आपको स्टीयरिंग मॉडल कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे। अगर आप इसे अपर वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। 7 इंच का मिल जाएगा आपको उसमें टचस्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ, जो कि देखने में कुछ इस तरह का लगता है। पियानो ब्लैक फिनिश दी जाएगी आपको यहाँ पर। टच बटन दिए जाएंगे वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए, म्यूट के लिए, पावर ऑन के लिए। यहाँ पर हो गया आपका हजार्ड लाइट का बटन। वो एसी वेंट दी जाएंगे आपको यहाँ पर, लाइन्स दी जाएंगी यहाँ पर। यहाँ पर एसी वेंट नहीं है, वहां पर मिल जाएगा आपको ड्राइवर साइड का, और ये रहा ड्राइवर साइड का एसी वेंट। और यहाँ पर आपको ट्विटर दिए जाएंगे, यहाँ पर हो गया ट्विटर, एक वहां पर हो गया ट्विटर। और 4 स्पीकर हो गए आपके जो चारों डोर में रहेंगे। और ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी रहने वाली है इस कार में, जो कि दिखने में कुछ तरह की लगती है। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट हो गया, यूएसबी पोर्ट, थोड़ा सा स्पेस फिल हो गया यहाँ पर, 2 कप होल्डर्स। 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में रहने वाली है कार, कुछ इस तरह का गियर नोब लगता है इसका। उलेरा कार का हैंड ब्रेक, उलेरा कार का आर्म रेस्ट। कुछ दिन साइज का स्टोरेज मिल जाता है, काफी कम स्टोरेज रहने वाला है। तो चलिए मैं आपको इसका ग्लव बॉक्स दिखाता हूँ, कितना स्पेस मिल जाएगा आपको इस कार के ग्लव बॉक्स में। और इस कार का सनवाइजर बैनेट मिरर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, टिकट होल्डर दिया जाएगा सिर्फ। ओवरऑल कुछ तरह का लगता है डैशबोर्ड इस कार का, जैसे आप देख सकते हैं। ये रहा क्वार्टर साइड का डोर, डोर ओपनर हो गया आपका क्रोम कलर का, ग्रैब हैंडल, पावर विंडो, बटर वगैरह स्पेस हो गया, डॉक्यूमेंट लिखने स्पेस और स्पीकर। और ये रही इस कार की फ्रंट सीट, फ्रंट में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, कुछ तरह की सीट्स रहने वाली हैं। ये इस पर सीट कवर लग रहे हैं जो कि एसेसरीज का पार्ट है। तो चलिए कुछ तरह करते हैं इस कार का फ्रंट सीट पर बैठकर, जो भी कुछ आपको मिल जाता है वो तो मैंने आपको दिखा दिया है। और मैं आपको इस कार की मिड रूम में दिखा देता हूँ कितना स्पेस मिल जाएगा, और मैं आपको लास्ट रूम में भी दिखा दूंगा फिर कितना स्पेस आपको वहां पर दिया जाएगा। तो ऐसा आप देखते हो कितना लेग रूम आपको इस कार में मिल जाएगा। लेग रूम और हेड रूम में आपको कोई भी कमी नहीं रहने वाली है इस कार में। और मिड रूम पे बैठकर कुछ तरह का लगता है डैशबोर्ड इस कार का, और ब्लोअर्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। फ्रंट में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट होगा, और मिड में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और बैक में भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए जाएंगे। और बैक में आपको यहाँ पर कप होल्डर भी मिल जाता है, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी दिया जाएगा। अगर आपकी हाइट कम है तो आप इजीली बैठ सकते हैं यहाँ पर, अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। यहाँ पर आपको आर्म रेस्ट दिया जाएगा, कप होल्डर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। और यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है, थोड़ा सा स्पेस हो गया। वैसे तो आपको पूरी फ्लैट सरफेस मिलने वाली है। तो विचार भी कुछ तरह का था इस कार का इंटीरियर, जो भी कुछ था इस कार के इंटीरियर वो मैंने आपको दिखा दिया है। विचार भी कुछ तरह का था इस कार का बॉक्स, जो भी फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर से मिल जाते हैं मैंने आपको सभी दिखा दिए हैं। जैसे कि आपने देखा इसमें आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ 2 ट्विटर्स आपको ज्यादा मिल जाएंगे, जो कि आपको BXi वैन में नहीं मिलते हैं। स्पीकर तो हो ही गए, रियर डिफोगर वॉशर, वाइपर हो गया, मशीन एलोवीज, ड्राइवर सीट अटैचमेंट का फीचर, कीलेस एंट्री, फ्रंट आर्मरेस्ट, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, AC, कुछ ऐसे फीचर्स आपको ZX7 में मिल जाते हैं। अगर आपके वाले फीचर्स बढ़ते लगते हैं 1,10,000 रुपीज के प्राइस में, तो आप ZX7 के साइड जा सकते हैं, वरना फिर BXi तो हो ही गया, जो कि बहुत ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है और टॉप सेलिंग वेरिएंट भी है मारुति सुजुकी अर्टिगा का। तो अगर आपको इस कार के और वेरिएंट की वीडियो देखनी है, किसी और कार का बोखना देखना है, तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। फ्यूचर में ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो प्रो देखने के लिए आपका धन्यवाद।